गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम स्टडी कर रहे थे कैपेसिटर, कैपेसिटेंस वहाँ पर हमने डिस्कस किया था और कैपेसिटर का प्रिंसिपल भी हमने डिस्कस किया था। तो कैपेसिटर के सिंबल के लिए जैसे लास्ट वीडियो में हमने कंसीडर किया था जैसे बैटरी में दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, उसी टाइप से कैपेसिटर में दोनों प्लेट्स जो होती हैं, दो जो कंडक्टर थे जिनको हम कैपेसिटर की प्लेट्स बोलते हैं, दोनों की लेंथ इक्वल होती है जैसा इस फिगर में शो किया हुआ है। ये दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स हैं। एक पर हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे इंड्यूस होता है नेगेटिव चार्ज। एक की चार्ज डेंसिटी सिग्मा तो दूसरे की चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसे पॉजिटिव प्लेट बोलते हैं और जिस पे नेगेटिव चार्ज है उसे नेगेटिव प्लेट बोलते हैं। ये किसी भी कैपेसिटर का प्रिंसिपल है। तो कैपेसिटर के थ्री टाइप्स होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर। हमें केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही स्टडी करना है। पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर का मीनिंग है ऐसा कैपेसिटर जिसकी दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल हों। प्लेटों का जो शेप है वो स्क्वायर भी हो सकती हैं और सर्कुलर भी हो सकती हैं और रेक्टेंगुलर भी हो सकती हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर में दो स्फेरिकल सेल्स होती हैं और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में एक सिलेंडर के ऊपर बड़ा सिलेंडर होता है। तो हमें जो स्टडी करना है दैट इज़ ओनली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर का केवल मीनिंग होगा चार्ज एट इट्स पॉजिटिव प्लेट। किसी भी कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पर जितना चार्ज होगा वही कंसीडर किया जाएगा चार्ज ऑन द कैपेसिटर। किसी भी कैपेसिटर पर जो नेट चार्ज होता है दैट इज ज़ीरो। अब कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर का वो इंडिपेंडेंट होगा चार्ज एंड पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। ये जब हम इसका एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे उस टाइम पर भी हम इसे देखेंगे। तो अब हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम कोई भी कंसीडर करते हैं, इसकी दोनों जो प्लेट हैं इनका प्लेट एरिया है ए। जैसे अगर स्क्वायर होगी तो प्लेट का एरिया ए हो गया और सर्कुलर होगी तो भी प्लेट का एरिया ए हो गया। दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो प्लेट सेपरेशन हो जाएगी। प्लेट सेपरेशन को हम समझ सकते हैं जैसे हम वर्टिकल प्लेन में दो कॉपीज एक दूसरे के सामने रख लें तो उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वही हो जाएगी प्लेट सेपरेशन। तो ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हुज प्लेट सेपरेशन इज डी। ये इस प्लेट से लेकर के इस प्लेट तक की जो डिस्टेंस है दैट इज प्लेट सेपरेशन। प्लेट का जो एरिया है दैट इज कैपिटल ए। प्लेटों की बीच का जो मीडियम है दैट इज एयर। चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट इज सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। तो इसके बीच में अब हमें कैपेसिटेंस निकालना है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन करना है और प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्टेन करना है। तो इन दोनों प्लेट्स को हम प्लेन इनफाइनाइट सीट की तरह कंसीडर करेंगे। गॉसेस के एप्लीकेशन में हमने दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड की है। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक प्लेन इनफाइनाइट सीट का फील्ड आता है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से
पेरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा प्लेट्स के बीच में, पोटेंशियल बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन, तो V इक्वल्स टू E इनटू D, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। और कैपेसिटेंस होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल, तो ऊपर पोटेंशियल वाले एक्सप्रेशन से अगर हम Q अपॉन V की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका प्लेट एरिया है ए, प्लेटों के बीच की सेपरेशन है डी, प्लेटों के बीच में मीडियम है एयर, उसका कैपेसिटेंस आ गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। तो इस एक्सप्रेशन से क्लियर है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो उसके चार्ज और पोटेंशियल के इंडिपेंडेंट है, केवल तीन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है, प्लेट का एरिया कितना है, प्लेटों के बीच में सेपरेशन कितनी है और प्लेटों के बीच में मीडियम कितना है, कौन सा मीडियम है।